नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते 17 दिनों से गायब हैं। अब सदन में बोलते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया और निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। चार मंजिला विकास की गाथा लिख सकते थे, लेकिन वो लोग तो श्मशान जैसा बिहार को और छोड़कर चले गए। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं टू बिगिन फ्रॉम बिगिनिंग, प्रारंभ से प्रारंभ करना। तो 2005 में हम लोगों को हर चीज को प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ा है। ये 2015 उनका और 2015 हमारा, जनता तय करेगी कि किस गठबंधन ने और किन लोगों ने 15 साल में बेहतर काम किया है। और सती महोदय, आज के इस दिन मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष पिछले 17 दिन, आज ये 17वां दिन है, ये 17वां दिन है विधानसभा की कार्रवाई का, लेकिन मुझे दुख है कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक उन्होंने सदन के अंदर समता संभवतः एक शब्द जो है और बोलने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि बिहार के संसदीय इतिहास का यह पहला मौका होगा जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष ने न तो बजट में भाग लिया, न किसी चर्चा में भाग लिया। अब मुझे पता नहीं आज के इस मेरे वक्तव्य के बाद शायद बचे हुए 4-5 दिनों में आकर वो कुछ बोले, लेकिन यह सरती महोदय, यह इतिहास लिखेगा, रिकॉर्ड में, दस्तावेज में दर्ज होगा कि नेता प्रतिपक्ष लगातार 17 दिन तक अनुपस्थित रहे। मुझे पता नहीं कि बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली में क्या प्रावधान है, आपकी अनुमति से कोई कितना दिन और गैर हाजिर रह सकता है, उन्होंने आपसे अनुमति लिया कि नहीं लिया, बीमार हैं या क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं है सती महोदय। और मैं एक बात और सदन के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहूंगा, कई बार मीडिया में तरह तरह के भ्रम पैदा किए जाते हैं, क्या होगा, ये गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। तो मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहूंगा कि अगला विधानसभा का चुनाव भी ये गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का काम करेगा। और तीसरी, किसी को कोई भ्रम न रहे, और डूबती नाव पर कौन सवार होगा, जिस नाव के अंदर छेदी छेद है, जो गठबंधन एक सीट बड़ी मुश्किल से जीत पाया, उस नाव पर कौन सवार होना चाहेगा। इसलिए सती महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि 19-20 का जो वर्ष होगा, इसमें जितना हम लोगों ने निर्णय लिया है, चाहे वो नल जल योजना हो, गली नली योजना हो, शौचालय बनाने का जो लक्ष्य है, उन सारी चीजों को हम लोग 19-20 के वर्ष में हासिल करेंगे। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा इस विनियोग विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करें। तो सुशील मोदी तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल, आखिरी बार तेजस्वी शनिवार को दिखे थे रांची में, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। सदन क्यों नहीं अटेंड कर रहे, इसका कोई कारण नहीं दिया जाता। उससे पहले जब तेजस्वी गुमशुदा हुए तो लिगामेंट इंजरी का कारण बताया गया, और एक बार फिर से अब तेजस्वी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। अब तो सरकार ने भी इस बात पर ध्यान आकर्षित करा दिया है, जब सुशील कुमार मोदी ने सदन में यह बात कही दी। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, क्योंकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं हम। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।